आज हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं ये तीन बुक। इन तीनों बुक का नाम है 500 क्वेश्चन एंड आंसर्स, पीपल एनिमल प्लांट एंड डिड यू आस्क। और चलो हम लोग इसका भी ओपन करते हैं। ये कुछ आपको मिला है, ये तीनों बुक है क्वेश्चन और आंसर। पहला कंटेंट्स यूनिवर्स। पहले में यूनिवर्स के बारे में बताएंगे, सेकंड में एनिमल्स, थर्ड में प्लांट्स, फोर्थ में प्लैनेट अर्थ, फिफ्थ में ह्यूमन बॉडी और सिक्स्थ में क्विज क्वेश्चंस। ये बता रहे हैं अर्थ मून यूनिवर्स के अंदर क्या है, ये एनिमल प्लांट प्लैनेट और ह्यूमन बॉडी, ये है कुछ क्वेश्चन। और ये हमारी एनिमल्स, पीपल प्लांट एनिमल इंट्रोडक्शन, हाउ टू यूज दिस बुक, प्लांट एनिमल पीपल एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट ये इंट्रोडक्शन। और ये सब चीज चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, हर पेज में एक नया नया है। रसायन प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, ये एनिमल्स हैं। इसका मतलब बच्चों के लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद किताब है, बहुत अच्छी बुक है, जिसमें बहुत तरह की जनरल नॉलेज और डे टू डे लाइफ में आने वाली हर चीज़ के बारे में बताया गया है। जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान हासिल होगा। मैं तो डर चुका हूँ। कभी डरो नहीं, स्केलेटन बॉडी है। सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें अच्छे अच्छे फोटोज दिए हुए हैं, और डराने के लिए मुझे एक फोटो दी हुई है। कौन से फोटो से डर लगता है आपको? स्केलेटन के। ओहो, अरे स्केलेटन तो हमारे शरीर का ही एक बेस अंग है, उसी के ऊपर हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, स्ट्रक्चर। डिड यू आस्क, देखो बच्चों, डिड यू आस्क हाँ देखो बच्चों, हाँ एक बच्चा दूसरे बच्चों को बोलता है, देखो बच्चों, स्पेस साइंस अर्थ नेचुरल वर्ल्ड, ये स्पेस के बारे में बताया, जो उसमें बताया उससे यही वो चीजें उसमें भी पढ़ा रहे हैं। अब एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, मून बड़ा है कि चांद? चांद। मून क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि दोनों सेम है। तो बुद्धू दोनों तो सेम ही है, तो मून बड़ा कि चांद तो बोलो कि दोनों एक ही है। ये देखो, ये सच्ची सच्ची में अच्छी फोटो है। अच्छा। ये, 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 ये।